तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एम्फेसिस लिमिटेड कंपनी को बात करें तो इंडिया की टॉप टेन आईटी कंपनीज में से एक कंपनी है और इंडिया में कंपनी ब्लैक ग्रुप की सब्सिडी कंपनी है कंपनी का अच्छा बिजनेस है और साथ साथ कंपनी ब्लैक का जो डेटा है और जो कस्टमर है उनको भी कंपनी एक्सेस करती है उसके थ्रू भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे पूरा डिटेल में कंपनी की सारी डिटेल चेक करेंगे सारा बिजनेस फाइल चेक करेंगे साथ साथ कंपनी पिछले पाँच साल के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे जिससे हमें एक अच्छे से डिटेल नॉलेज मिल सके कि कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं और फिर उसके बाद में कंपनी की वैल्यूशन करेंगे कि जो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इसके शेयर्स हमें सस्ते मिल रहे हैं फिर महंगे मिल रहे हैं लेकिन आपको एडवांस में बता दें कि कंपनी बहुत ही अच्छी है और इसके जो शेयर्स हैं वो इसकी एक्चुअल वैल्यू के 50 परसेंट पर अवेलेबल है आज की डेट में तो लोग कहते हैं कि बढ़ती मार्केट में सस्ती कंपनी नहीं मिलती हैं अच्छी कंपनियाँ है, सस्ते प्राइस में नहीं मिलती हैं लेकिन ये उन कंपनियों में से है जो कि काफ़ी अच्छा बिजनेस होल्ड करती हैं फाइनेंशियल भी अच्छे हैं फिर भी काफ़ी सस्ते दाम में मिल रही हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी साथ में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी एम्फोसिस लिमिटेड के बारे में तो कंपनी ग्लोबल आईटी कंपनी है इंडिया के अलावा ग्लोबली काफ़ी सारे देशों में कंपनी काम है बिजनेस है ऑफिसेज हैं सब चीज़ें हैं और कंपनी मेनली क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इड सर्विस प्रोवाइड करती है और नेक्स्ट जनरेशन की जो आई टी है उसको प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को उनका बिजनेस अच्छे से हैंडल करने के लिए बात करें कौन कौन से बिजनेस एरिया में कंपनी काम करती है तो कंपनी अपने सेक्टर की मिड साइज प्लेयर है बहुत बड़ी कंपनी नहीं है मिड साइज प्लेयर है और कंपनी आईटी में आई ईएस और बीपीओ इंडस्ट्री में काम करती है और जो कंपनी अलग अलग डोमेन्स में काम करती है उसमें मेन है कंपनी वैसे बैंकिंग कैपिटल मार्केट्स उसके अलावा कम्युनिकेशन इंश्योरेंस इस तरह की सारी जो कंपनीज हैं उनके साथ कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छी कंपनी की डोमेन एक्सपर्टीज़ है काफ़ी अच्छा कंपनी का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारा अलग अलग टाइप की कंपनी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है तो कंपनी कौन कौन सी मेन सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें कंपनी एप्लीकेशन सर्विसेज देती है ब्लॉकचेन है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज है क्लाउड है साइबर सिक्योरिटी है गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस वो कंपनी करती है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी काम करती है इस तरह की सारे सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है फिर बात करें कि कंपनी को कौन कौन सेगमेंट से कौन कौन से रिवेन्यू होता है जैसे बात की इतनी सारी कंपनी सर्विसेज देती है तो कौन कौन सी सर्विसेज कितना कितना रिवेन्यू होता है तो कंपनी जो एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसे कंपनी को 67 सेवन परसेंट आता है बी से कंपनी को 20 परसेंट में आता है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग का जो कंपनी काम करती है वहाँ से 12 परसेंट में आता है तो कंपनी जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है वो एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है लेकिन कंपनी और बहुत सारी सर्विस देती है फिर बात करें तो कंपनी अलग अलग सेक्टर के से लिए काम करती है तो कौन कौन से सेक्टर से या सेगमेंट से कंपनी को कितना कितना आता है तो कंपनी को बी यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से सबसे ज़्यादा रिम आता है फिफ्टी का इंश्योरेंस के सेक्टर से 8% और टेली से 13% परसेंट उसके अलावा लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट में जो कंपनी अपनी सर्विसेज देती है वहाँ से भी सेम थर्टीन परसेंट में आता है और बाकी अदर जो इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है वहाँ से बारह परसेंट होता है तो देखें तो काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी ही जो आईटी टी कंपनी उनको सबसे रेवेन्यू मिलनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम से आता है तो वहीं इसका भी काम है फिर अगर हम बात करें कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस की तो उन्नीस कंट्रीज में कंपनी के साठ से भी ज़्यादा सेल्स और डिलीवरी के सेंटर्स हैं जहाँ से कंपनी काम करती है और कौन कौन से कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस है उसमें इंडिया है चाइना ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका यूके जापान सिंगापुर इंडोनेशिया इस तरह की सारी और बहुत सारी और दूसरी कंट्रीज में कंपनी का ऑफिस है काफ़ी अच्छे से कंपनी काम करती है अब क्योंकि इतने सारे देशों में कंपनी काम कर रही है तो कंपनी का ज्योग्राफिकल रिवेन्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपनी को कहाँ कहाँ से किन किन देशों से कितना में आता है तो कंपनी को सबसे ज़्यादा क्या मोस्टली जो रिवेन्यू अमेरिका से आता है एटी का बाकी जो एमर्जिंग मार्केट्स है इकोनॉमीस है जैसे एशिया हो गया वहाँ से कंपनी को 10 परसेंट में आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कंपनी काम करती है वहाँ से 8 परसेंट होता है तो मेनली बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो कंपनी की अमेरिकन बिजनेस पे ही है उस बात करें कंपनी क्लाइंटेल की कंपनी कौन कौन से क्लाइंट होल्ड करती है तो कंपनी काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े क्लाइंट के साथ भी काम करती है बात करें तो कंपनी जो ग्लोबली सिक्स टॉप बैंक्स हैं उनके साथ कंपनी काम करती है 15 टॉप मॉर्गेज लैंडर्स में से 11 मॉर्गेज लैंडर्स जो हैं वो इसी कंपनी से अपनी सर्विस लेते हैं और टॉप थ्री ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी काम करती है तो उसने बात की थी कंपनी का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस है प्लस ब्लैक स्टोन ने जब से इसको एक्वायर किया है तो उनकी भी सारी एक्सपर्टीज और जो कस्टमर का डेटा है वो भी कंपनी एक्सेस कर पाती है तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है बात करें कंपनी के क्लाइंट्स की तो तेरह क्लाइंट कम ऐसे हैं जो कंपनी को ईयरली 20 मिलियन से ज्यादा का रिवेन्यू देते हैं और 25 क्लाइंट कंपनी ऐसे हैं जो 10 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी को हर साल देते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े क्लाइंट्स भी होल्ड करती है फिर बात करें तो अभी 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें भी कंपनी ने सात डील और जीती हैं वॉन करी है उसमें कंपनी को सात मिलियन का बिजनेस मिला है तो कंपनी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखें तो लगातार अपना बिजनेस ग्रो करें फिर बात करें ए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ये कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी एंट्री ले चुकी है और कंपनी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसका नाम है एम फे सी डॉट ए आई इसमें कंपनी ए आई वर्टिकल के अंदर काम करेगी और ऑलरेडी इसके अंदर भी कंपनी काफ़ी अच्छी डील कर चुकी है और 235 मिलियन की डील उसको ए आई के अंदर मिली है तो कंपनी इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है फिर बात करें इसमें बात की थी पहले भी कंपनी ब्लैक ग्रुप का जो है वो पार्ट है तो अभी क्या है जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है कंपनी का उसके पास एक्सेस है और कंपनी उसके थ्रू काफी अच्छा बिजनेस जो यहां पे एक्सेस करती है दूसरी बात जो एम्फेसिस है ये इकलौती आईटी कंपनी है ग्लोबली जो ब्लैक का एंटायर ग्लोबल पोर्टफोलियो उसमें इकलौती आईटी कंपनी है उसकी एक यूनिक एक पोजीशन हो गई है तो कोई और आईटी कंपनी है नहीं उनके पास तो यही आईटी कंपनी है तो इसके थ्रू वो अपना सारा जो भी चाह रहे हैं काम वो इसके थ्रू करवाते हैं तो इनका भी रिवेन्यू बढ़ता है और उनके क्लाइंट्स भी अच्छे से सेटिस्फाई होते हैं उसके अलावा दो इन्वेस्टमेंट कंपनीज और हैं जिन्होंने एम में इन्वेस्ट किया है और उसके भी कस्टमर बेस को कंपनी एक्सेस कर सकती है उसमें है आबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन्होंने भी अभी अपना स्टेक लिया है एम के अंदर और इनके भी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके लिए भी कंपनी काम करेगी तो काफ़ी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कंपनी का है और आने वाले टाइम बात करें तो और अच्छे से कंपनी का बिज़नेस इंक्रीज़ हो सकता है तो बिजनेस वाइज तो कोई डाउट ही नहीं है काफ़ी अच्छी कंपनी है उस बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बात करें प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 55 परसेंट शेयर हैं एफ के पास में 15 परसेंट हैं डी के पास में 25 परसेंट हैं और पब्लिक के पास में सिर्फ 5 परसेंट के शेयर हैं बात करें तो एफ और डी दोनों मिला के 40 का बहुत ही अच्छा और हैवी स्टेक इस कंपनी में लिया हुआ है अब अगर एफ आई डी आईस किसी कंपनी में हैवी स्टेक होल्ड करते हैं तो क्लियर एक साइन होता है कि उसका फ्यूचर अच्छा है प्रॉफिटेबिलिटी है सारी चीज़ें इसीलिए इन कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक करके अच्छे से फिर इन्वेस्ट करते हैं तो रिटेल के लिए देखें तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है तो उस हाथ देखें तो इन लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो यह भी एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है तो अभी तक तो हमने बात कर ली कंपनी के, के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजिशन के बारे में अब हम चेक करते हैं कंपनी पिछले पाँच साल के फाइनेंशियल जैसे पता लग सके कि कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ है पिछले पाँच साल में और उसके लिए पिछले पांच साल कंपनी का डेटा चेक करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू थे आठ हज़ार करोड़ के जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो गए दो में तेरह करोड़ के ग्यारह के अच्छे खा से सी से कंपनी ग्रोथ दिखाई है तो बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ कंपनी में आ गई है तो काफी अच्छे से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो क्लियर पता लगा कंपनी लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है उसके पास अच्छे क्लाइंट हैं उसको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं इसीलिए कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो काफ़ी अच्छा और स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18-19 परसेंट की पिछले पाँच साल से लगातार कंपनी एवरेज मेंटेन कर रही है और इंडस्ट्री के हिसाब से भी काफी अच्छा मार्जिन है तो हिसाब से देखें तो क्लियर है बता रहा है कि कंपनी अपनी, अपनी इनपुट कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर रही है इसलिए कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है और साथ साथ जो आगे सर्विसेज अपनी सेल करती है कंपनी उसको भी अच्छे प्राइस में बेच पा रही है इसीलिए कंपनी को इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है फिर बात करें नेट प्रॉफिट की तो ग्यारह सौ पिचासी करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट था 2020 में और ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होके 1555 पंद्रह करोड़ हो गया है 2024 में यहाँ भी देखें तो 8% परसेंट के ठीक ठाक सी जी से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई तो कंपनी का रिवेन्यू 11% परसेंट से बढ़ाया लेकिन प्रॉफिट आठ बढ़ा है बढ़ाया उतनी ज़्यादा प्रॉफिट में कंपनी मतलब ग्रो नहीं कर पाई है सेल्स के मुकाबले उसके बाद करें कंपनी फ्री कैश फ्लो की तो कोई दिक्कत ही नहीं है पिछले पाँच साल से लगातार हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है ग्यारह सौ करोड़ रुपये पंद्रह सौ करोड़ पे अब दो हज़ार करोड़ पे दो हज़ार चौबीस में तो काफ़ी अच्छी कैश रिच कंपनी है अब फ्री कैश फ्लो में क्या पे लग रहा है कि कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमाती भी है उस प्रॉफिट को एंड कैश करके अपने पास रख भी पा रही है इसीलिए कंपनी के पास इतना अच्छा यहाँ पर फ्री कैश फ्लो दिखाई दे रहा है फिर बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की तो कोई दिक्कत नहीं है 55 से 60 परसेंट हर साल जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसको एज अ डिविडेंड कंपनी पेमेंट कर देती है तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी है और इससे हमें क्लियर पता लगा क्योंकि पैसा अवेलेबल है फ्री कैश लोगों ने पढ़ा है उसकी बिजनेस को जरूरत नहीं है वो उसकी असली अर्निंग है तो कंपनी उसमें से डिविडेंड पेमेंट भी करती है तो काफ़ी अच्छी डिविडेंड पेमेंट करने वाली भी कंपनी है फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की कि कंपनी कितना लोन लेके बिजनेस कर रही है अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया ये रेशो में बताता है तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी जीरो पॉइंट टू सेवन यानी कि कंपनी 27 परसेंट का डेट होल्ड करती है हंड्रेड परसेंट इक्विटी के अगेंस्ट तो कंपनी ने थोड़ा लोन भी लिया हुआ है अब कोई भी कंपनी अगर लोन लेती है या डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज शो जिससे हमें यह पता लगता है कि जो हर साल कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है जिससे हर साल अपना आराम से इंटरेस्ट पेमेंट कर ले अगर बिजनेस में कभी अप डाउन में आए तो कोई दिक्कत ना है तो यहाँ देखें तो आई सी आर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज कंपनी का आ रहा है फोर्टीन टाइम्स यानी चौदह गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने की जो हर साल पेमेंट करना होता है तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो उन्नीस परसेंट का कंपनी का रिटर्न विकिटी आ रहा है लास्ट ईयर का और 20 परसेंट की पिछले पाँच साल की एवरेज है तो कंपनी रिटर्न इक्विटी भी काफ़ी अच्छा मैनेज करती है 15 परसेंट के आसपास अगर कंपनी किसी भी कंपनी का आर होता है उसको तो काफी अच्छी कंपनी माना जाता है कि कंपनी अपने अपने इन्वेस्टर के पैसे में अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है तो उन्नीस और बीस की अगर एवरेज आ रही है तो काफ़ी अच्छा कंपनी आर भी मैनेज कर रही है तो बात करें तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी के सारे पैरामीटर अच्छा हैं कंपनी की सेल्स भी अच्छे से इंप्रूव हुई है प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी उसको डेट खास नहीं है आर बढ़िया है तो कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूशन के बारे में कि आज के कंपनी के शेयर प्राइस जो चल रहा है उसके अर्निंग के हिसाब से वो सस्ते मिल रहे हैं महंगे मिल रहे हैं या जैसे हमने आपको शुरू में बता दें कि कंपनी के शेयर काफ़ी सस्ते दाम मिल रहे हैं तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं किस तरह से हम मिला कंपनी के शेयर प्राइस सस्ता चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं और मैं बता दूँ इस तरह की कंपनी को वैल्यूशन uh, करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के प्रोवैलू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है और हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था तो दो में कंपनी को था लगभग सोलह करोड़ रुपये दो में तेरह करोड़ रुपये और दो में दो करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू फ्री कैश फ्लो आया था अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले तीन साल की कंपनी के, के फ्री कैश फ्लो को हम एवरेज लेते हैं तो कंपनी के पिछले तीन साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है सत्रह सौ करोड़ रुपये यानी कि लगभग सत्रह सौ करोड़ रुपये हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है और इस सत्रह सौ करोड़ के हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती होती है पिचासी हजार करोड़ रुपये यानी कि अगर हमें सत्रह सौ करोड़ रुपये हर साल इस कंपनी से फ्री कैश फ्लो कमाना है तो पिचासी हजार करोड़ हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ये इस वैल्यू का मतलब है तो तो गई पूरी कंपनी की वैल्यू अब इसको नंबर ऑफ शेयर्स हम डिवाइड करेंगे तो पर इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आती है और कंपनी की जो फेयर वैल्यू आ रही है पर इक्विटी शेयर की वो आ रही है चार हज़ार पाँच सौ रुपये यानी कि चार हज़ार पाँच सौ रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम एम्फेसिस लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे ठीक है अपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है लेकिन आपको बता दें आज की जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है चौबीस सौ पच्चीस रुपये यानी कि दो हज़ार चार सौ पच्चीस रुपये पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं लगभग क्या बल्कि फिफ्टी परसेंट के आसपास ही लगभग यहाँ पे देखें तो कंपनी शेयर अवेलेबल है उसकी फेयर वैल्यू से 50 परसेंट का मालूम सेफ्टी पूरा पूरा मिल रहा है तो काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रहे हैं शेयर और एक हाईली अंडर वेल्यूशन कंपनी है बात करें तो एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया है इसका बैकग्राउंड अच्छा है जिसका बात करें तो प्रमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस है और ग्लोबली कंपनी काम करती है वो कंपनी में काफ़ी सस्ते दाम मिल रही है तो लोग कहते हैं कि कंपनियाँ अच्छी सस्ते दाम पर नहीं मिलती हैं तो मिलती हैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा वेट करना पड़ता है तो देखें तो उस हिसाब से उनको काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है लेकिन फिर बात है कि हमारी तरफ तो से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, करना है आपको कंपनी वाले सारी डिटेल दे दी है थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है लेकिन आपने ऑलरेडी करना पैसा इन्वेस्ट किया तो घबराने की जरूरत नहीं कंपनी का है, शेयर प्राइस नहीं चल रहा है शेयर प्राइस तो अपने आप बढ़ जाता है अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म के साथ तो तो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें देखें तो ये रिटर्न कंपनी दे सकती है तो इससे बात करें तो एम लिमिटेड के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो तो मच